नमस्ते, खुश रहो बेटिया। टुडे दिस टॉपिक इज डी वेन थ्रोम्बोसिस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल माय इंट्रोडक्शन इज आई जे वी एन डॉक्टर अशोक कुमार जैन, डिपार्टमेंट ऑफ एफ पी डी फ्रॉम ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ डी वेन थ्रोम्बोसिस। डेफिनेशन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट इन वन ऑफ द डीप वेन ऑफ द बॉडी, यूजली इन द लैग। एपिडर्मोलॉजी, वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म रिलेटेड डेट 3 लैग पर एनम, 7% ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटेड, 34% सडन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, 59% एज अनडिटेक्ट। इंसिडेंस, एनुअल इंसिडेंस ऑफ सिम्पेटोमेटिक वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म एज 117 पर 1 लैक पर्सन। वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म इज हॉस्पिटलाइज पेशेंट हैज इंक्रीज फ्रॉम 0.8% to 1.3% ओवर ए पीरियड ऑफ 22 ईयर्स, रिपोर्टेड इन 2008। विदाउट प्रोफाइलेक्सिस द इंक्रीज ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज अबाउट 40% इन गायनेकोलॉजिकल सर्जरी, 22% इन न्यूरो सर्जरी, 26% इन एब्डोमिनल सर्जरी, 45% to 60% पेशेंट अंडरगोइंग हिप एंड नी सर्जरी, 50% to 40% यूरोलॉजिक सर्जरी। एटियोलॉजी, स्टार्ट इन लोअर एक्सट्रीमिटी काफ एंड वेन, प्रोग्रेसिंग प्रॉक्सिमली इन टू इन्वॉल्व पॉपलिटियल फिमोरल इलियक सिस्टम। वीनस स्टेसिस, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट 4 डे और मोर, ए कास्ट ऑन द लैग, लिम्प पैरालिसिस फ्रॉम स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, एक्सटेंडेड ट्रेवल इन अ व्हीकल। हाइपर कोगुलेबिलिटी, सर्जरी एंड ट्रॉमा, 40% ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिजिंग डिजीज, मैग्लाइनेंसी, इंक्रीज एस्ट्रोजीन, इनहेरिडेंट डिसऑर्डर ऑफ कोगुलेशन, डेफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एस, प्रोटीन सी, एंटीथ्रोम्बोबिन 3, एक्वायर्ड डिसऑर्डर ऑफ कोगुलेशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज, एंडोथेलियल इंजरी, ट्रॉमा, सर्जरी, इन्वेसिव प्रोसीजर, एंट्रोजेनिक कॉजेज, सेंट्रल वीनस कैथेटर्स, सब क्लेवियन, इंटरनल जुगुलर लाइन, दीज लाइन कॉज ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी डीवीटी। हाइपर कोगुलेशन स्टेज ऑफ मलेग्नेंसी, अप टू 50% ऑफ कैंसर पेशेंट प्रेजेंट विथ वीटीई। वीटी इज नॉट इक्वली कॉमन इन द ऑल टाइप ऑफ कैंसर, द हाइएस्ट इंसिडेंस इन फाउंड इन म्यूसिन प्रोड्यूसिंग एंडो एंड एडिनोकार्सिनोमेटास, पैनक्रियाज एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, लंग कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर। पैथोफिजियोलॉजी, वेजल ट्रॉमा स्टिमुलेटेड द क्लोटिंग प्लेटलेट एग्रीगेट एट द साइट, पर्टिकुलरली व्हेन वीनस स्टेटिस प्रेजेंट प्लेटलेट फाइब्रिन फ्रॉम द इनिशियल क्लॉट, आरबीसी आर ट्रैप्ड इन द फाइब्रिन मैशवर्क, द थ्रोम्बस प्रोपोगेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो, इन्फ्लामेशन इज ट्रिगर्ड कॉजिंग टेंडरनेस, स्वेलिंग एंड एरिथमियाज, पीसेज ऑफ थ्रोम्बस मे ब्रेक लॉस एंड ट्रेवल थ्रू सर्कुलेशन एम्बोलाई, फाइब्रोब्लास्ट इवेंचुअली इन्वेड द थ्रोम्बस स्कैरिंग वेन वॉल एंड डेस्ट्रॉइंग वॉल, पटेंसी मे बी रिस्टोर्ड एंड वॉल डैमेज इन परमानेंट अफेक्टिंग डायरेक्शनल फ्लो, थ्रोम्बो फेलिबाइटिस, अ थ्रोम्बस अकम्पनीड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, फेलोबो थ्रोम्बोसिस, रेफर टू द थ्रोम्बस विथ मिनिमल इन्फ्लामेशन,
Dislodgement and migration of thrombus are known as thromboembolism, which is common in thrombosis. Presentation and physical examination: calf pain or tenderness or both, swelling with pitting edema, increased skin temperature and fever, superficial vein dilatation, cyanosis can occur with severe obstruction. Less frequent manifestation of venous thrombosis including venous gangrene. These are clinical spectrum of the same disorder. Clinical examination: palpate distal pulse and evaluate capillary refill to assess limb perfusion. Move and palpate all joints to detect acute arthritis or other joint pathology. Neurologic evaluation may detect nerve root irritation. Sensory, motor and reflex deficit should be noted. Hohmann's sign: pain the posterior calf of knee with forced dorsiflexion of the foot. Mosin sign: gentle squeezing of the lower part of the calf from side to side. Neuhoff sign: thickening and deep tenderness elicited while palpating deep in calf muscle. Linton sign: after applying tourniquet at sphenofemoral junction, patient made to walk, then limb is elevated in supine position. Prominent superficial vein will be observed. Wells clinical prediction guide: it pre-test probability score, help in early risk stratification and appropriate use of laboratory test and imaging modalities. Wells criteria is an additional tool to diagnose rather than being a stand-alone test. Diagnostic study: clinical examination alone is able to confirm only 20-30% cases of DVT. Blood test, the D diameter or imaging studies. D diameter, what is the D diameter? It is specified degradation produced of cross-linked fibrin because current production and breakdown of clot characterized thrombosis. Patient with thrombolic disease have elevated level of D diameter. Three major approach of measuring D diameter: ELISA, lattice agglutination, blood agglutination test. Imaging study: invasive venography, radiolabeled fibrinogen, non-invasive ultrasound, MRI technique, papillothrombography. The management of DVT in the primary prevention: a combination of mechanical and pharmacological measures can be used to prevent DVT. Mechanical prophylactic involves the use of gradual compression, stroking, intermittent pneumatic compression and venous foot pump to improve blood flow in the deep vein of the leg. Common agent of pharmacological prophylaxis include warfarin, subcutaneous
fraction heparin and low molecular weight heparin. DVT prevent is most effective when both methods are used simultaneously. In medication and surgical patient, ambulation and exercise involving ankle dorsiflexion encouraged to further minimize venous status. PT responsible prevention of deviant thrombosis. Encourage the patient mobility and physical activity at the individual and institutional level. Recommended use mechanical compression for individual or moderate high risk of DVT. Consult with the physician about medication of individual or moderate high risk of DVT. Provide education on DVT prevention, leg exercise, ambulation, hydration. Provide education on the risk factor, sign and symptom and consequence of DVT. Screening of DVT. Screen of DVT risk using Wells criteria or prefer risk assessment model of the treating institution. Communication screen result and relevant clinical sign and symptom of the medical team. Provide education on the importance of seeking medical attention for suspected DVT. Advocate the diagnostic testing and wait the result before mobilizing patient with suspected DVT. Screen for fall risk when a patient is an anticoagulation therapy. Engage patient with non-DVT in early mobilization. Recommendation for how and when it is safe to mobilize a patient with non-DVT depend on patient fall risk or medical treatment being used. Anticoagulation. Deep vein thrombosis is a blood clot that forms within the deep vein, usually of leg, but can occur in the vein of arm and mesenteric and cerebral veins. A common and important disease, it is a part of venous thromboembolism disorder which represents the third most common cause of death from the cardiovascular disease after heart attack and stroke. Account for most cause of pulmonary embolism. Only through early diagnosis and treatment can be morbidity be reduced. Even in patients who don't get pulmonary embolism, recurrent thrombosis and post-thrombotic syndrome are major cause of morbidity. Close to 3 lakh patients die from a pulmonary embolism each year in US alone.
थैंक यू।